बिहार में 3 पाकिस्तानी एजेंटे हुए गिरफ्तार, 50 लाख इंटरनेशनल फंडिंग, 96,000 हुए बरामद कैश। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हरिराम बात करेंगे कि जिस तरीके से पूर्णिया पुलिस इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में 3 आरोपी को, जो पाकिस्तान के एजेंडा पर चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया। बताया गया पुलिस के मुताबिक कि हेटलर पाकिस्तान में है, अभी तक पहचान नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अररिया जिला के 3 आरोपी जो पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे थे, उनको जो है पूर्णिया पुलिस थाने से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार ऐसा किया कि उनकी, हम आपको बता दें कि बिहार में 3 आरोपी जो पाकिस्तान के इशारे पर और वहां बैठे हेटलर पर इशारे पर चल रहे थे और नेपाल के रास्ते 50 लाख इंटरनेशनल फंडिंग, जिसमें हम आपको बता दें कि बिहार में साइबर फ्रॉड को लेकर बिहार पुलिस जो है 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें साइबर फ्रॉड बताई गई है। और इस मामले में बताया गया कि पूर्णिया पुलिस के मुताबिक, हम आपको बता दें कि तीनों आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उनके पास जो है 5 सिम कार्ड, 6 खाता, 96,000 कैश और 1 बुलेरो के साथ उनको धर दबोचा। इस मामले में बिहार जिस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग और साइबर फ्रॉड को लेकर बिहार में ज्यादातर ये मामला चलता है, वहीं पे पुलिस इस पर सख्त कानून और कार्रवाई करते हुए बताया कि पाकिस्तान में बैठे इनके हेटलर जो है वहां से इशारा करता है और इसको जो है फंडिंग मिलता है नेपाल के रास्ते, बैंक में इनको 50 लाख की फंडिंग दिया और इसको लेकर जिसमें जितना फंडिंग होता है उसका 5 हिस्सा इन आरोपी को मिलते थे, यानी कि 5% इन आरोपी को जो है मिलता था और इसको लेकर ये काम करते थे। वहीं पर पुलिस का मुताबिक, हम आपको बता दे कि ये बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसमें बिहार के अंदर या अररिया जिला में इनको धर दबोचा और इस मामले में पुलिस सख्त कानून कार्रवाई करने की मांग कर रही है तीनों आरोपी के खिलाफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।